प्रणाम। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। तो आज हम बात करेंगे हाउ टू मैनेज ब्लड शुगर लेवल, कि ब्लड शुगर लेवल को कैसे मैनेजमेंट करें। तो कुछ चीज़ें हैं जिनका हम ध्यान रखें तो बहुत आसानी से हम ब्लड शुगर लेवल को मैनेजमेंट कर पाएंगे, और वो ब्लड शुगर लेवल फिर हमारी जो शरीर है उसे नुकसान नहीं पहुँचाएगा, या जिसको हम कह देते हैं कि जो शुगर है, मधुमेह है, वो हमें ज़्यादा तकलीफ दे नहीं होगा। तो उसके लिए कुछ चीज़ों का हमें ध्यान रखना होगा कि हम उसे कैसे आसानी से मैनेज कर लें। तो नंबर एक पर रखा है एक्सरसाइज को। एक्सरसाइज हमारे लिए इतनी ज़्यादा कंपलसरी है, बहुत ज़्यादा। तो क्या होगा कि जैसे हमारी बॉडी के अंदर ग्लूकोज टूटता है, जैसे हमने ग्लूकोज लिया, ग्लूकोज मीन्स हम खाना खाते हैं, ग्लूकोज में टूटता है, फैक्टोज में टूटता है, तो वो क्या होता है कि जाकर के हमारे ब्लड में मिलता है। तो वो जैसे ही ब्लड में मिलेगा तो हमारी बॉडी उस ब्लड का जो ग्लूकोज हमारी बॉडी को जो ब्लड में पड़ा हुआ है, हमारी बॉडी के पार्ट्स उसको खींचते हैं और हमारी इफिशेंसी बढ़ती है। तो ऐसे ही काम करता है हमारी बॉडी का जो पूरा स्ट्रक्चर है वो। तो क्या करेंगे कि हम वर्कआउट करेंगे, हम ज़्यादा वर्कआउट करेंगे तो उससे, या ज़्यादा का मीन्स कि हम प्रॉपरली वर्कआउट करते रहेंगे तो उससे क्या होगा कि जो ब्लड शुगर लेवल हमारे रक्त में है, ब्लड में जो हमारा शुगर लेवल है वो मेंटेन रहेगा, क्योंकि बॉडी को काम करने की ताकत पड़ेगी, काम करने के लिए ताकत चाहिएगी। तो ताकत के लिए क्या करेगा, वो ब्लड का जो शुगर लेवल है उसको, उससे अपनी ताकत खींचेगा, ग्लूकोज को खींचेगा, तो वो जाकर के हमारे ब्लड का जो ब्लड शुगर लेवल है वो मेंटेन हो जाएगा। तो नंबर एक बात ये है। नंबर दो बात है कि हमारा जो डाइट प्लान है, जो हम डाइट लेते हैं, उस डाइट प्लान को हम इस तरीके से मैनेजमेंट करें, उसका ऐसा मैनेजमेंट करें कि जो हम फूड कंज्यूम करते हैं वो उतना ही फूड कंज्यूम करें जिस हिसाब से हम खाना खाते, सॉरी, जिस हिसाब से हम वर्कआउट करते हैं, जिस हिसाब से हम काम करते हैं। ऐसा ना हो कि हम खाना बहुत ज़्यादा खा रहे हैं और हमारा वर्कआउट जो है वो बहुत ज़्यादा कम है, तो उस हिसाब से हम खाना ना खाएं। तो अपने खाने को हमें इस तरीके से मेजरमेंट के साथ खाना है जिससे कि वो हमारी बॉडी को, हमारी बॉडी के लिए नुकसानदेह ना हो। हम मतलब शरीर की जो हम फिजिकल एस्पेक्ट्स में जितना काम करते हैं, फिजिकल तरीके से हम या मेंटली तरीके से हम जितना काम करते हैं, उस हिसाब से हम अपनी जो डाइट है उसको मैनेजमेंट करके चलना चाहिए, ज़्यादा फूड कंजम्पशन ना हो। तो नंबर दो पे हमने फूड को रखा था। नंबर तीन पे क्या है कि जितने भी तौर पर, जैसे हमें मिठाई खाने की इच्छा है कि हम मीठा खाने की आदत है कि मीठा खाएंगे, मीठा खाने की भूख लगी हुई है, तो क्या करें कि जो नेचुरल सोर्स ऑफ शुगर है, जितना जैसे शहद हो गया या फल हो गए, फल, मीठे फल हैं वो खा सकते हैं, हम उनको कंज्यूम कर सकते हैं। तो हमें ऐसे सोर्सेज से शुगर लेना है जो मतलब नेचुरल वे से हमें प्राप्त होते हैं। ऐसा ना हो जैसे चीनी या शक्कर हम खाएंगे तो वो जा कर के बहुत बुरी, देखो शुगर तो हर एक चीज़ में है, जो भी हम खाएंगे, जो भी हम कंज्यूम करेंगे ताकत के लिए, तो उससे ब्लड में, उससे क्या होगा, ग्लूकोज और फैक्टोज में टूटेगा ही टूटेगा, ग्लूकोज बॉडी को मिलेगा तो शुगर लेवल बढ़ेगा ही बढ़ेगा। लेकिन नेचुरल सोर्स में जो होता है वो जल्दी पचने वाला जो शुगर है वो होता है, तो वो क्या होता है और वो ज़्यादा बैड इफेक्ट हमारी बॉडी के ऊपर नहीं डालता, तो उस रूप में हम ले सकते हैं। और उसमें भी कम से कम ले, जैसे हम फ्रूट खाएंगे तो फ्रूट में क्या है कि शुगर तो है लेकिन उसके साथ साथ उसमें फाइबर भी है, उसमें और ज़्यादा मिनरल्स भी हैं, तो वो जाकर के इतना नुकसानदेह हमारे शरीर के लिए नहीं होगा। अब हम उसकी जगह, जैसे हमने एक तरबूज खा लिया, वो मीठा तो है, उसमें शुगर तो है, लेकिन वहीं हम 2 चम्मच मीठा खा लेते हैं, तो 2 चम्मच मीठा खाने के बाद जो हमें नुकसान होगा वो शायद 1 किलो 2 किलो तरबूज खरबूजा खाने से भी ना हो। तो उस मतलब जो हम ये शुगर बनता है, जो ह्यूमन आदमी द्वारा निर्मित है, उसको ना खा कर हमें नेचुरल सोर्स का शुगर लेना बहुत ज़्यादा आवश्यक है उस चीज़ के लिए। तो नंबर चार में है कि हमें प्रोटीन जो है हमारा, प्रोटीन हमें ज़्यादा लेना है, मीन्स ज़्यादा का मीन्स कि हम खाने में ज़्यादा प्रोटीन रखें और कार्बोहाइड्रेट की जो मात्रा है उसको कम रखें, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट जब हम लेंगे तो कार्बोहाइड्रेट फिर हमारे ग्लूकोज और फैक्टोज में टूट जाएगा, वो फिर बॉडी के ब्लड शुगर लेवल को बढ़ाएगा। तो उससे बचने के लिए क्या करें कि खाना क्या खाएं कि जिसमें प्रोटीन ज़्यादा हो, ज़्यादा मात्रा में प्रोटीन हो और कार्बोहाइड्रेट कम मात्रा में हो। तो ऐसा, इस प्रकार से हमें खाना खाना है। एक अगला क्या है कि हमें पानी का जो कंजम्पशन है, पानी के उपयोग को बढ़ाना है, पानी हमें ज़्यादा पीना है अपने शरीर के लिए, पानी का इस्तेमाल ज़्यादा करना है। पानी ज़्यादा पिएंगे तो क्या होगा कि जो हमारा ब्लड है वो डाइल्यूटेड रहेगा, उसके अंदर बहुत ज़्यादा शुगर की जो मात्रा है वो जितनी भी होगी वो सारे के सारे थ्रू क्या होगा कि किडनी जो हमारी फिल्टर करती है ब्लड से जो एक्स्ट्रा तत्व रहते हैं उनके साथ, उनको एब्जॉर्ब करने में ज़्यादा सहायता कराएगा, तो किडनी फिल्टर उसको आसानी से कर लेगी और वो ब्लड जो है हमारा, जो शुगर है वो यूरिन के थ्रू ज़्यादा मात्रा में बाहर नहीं निकलेगा
या मतलब क्या होगा कि ब्लड में शुगर की मात्रा कम हो जाएगी ज़्यादा पानी पीने से अपने आप ही ऑटोमेटिकली। तो पानी का भी ज़्यादा इस्तेमाल करना है। उसके साथ साथ क्या करना है कि हमें ऐसा खाना खाना है जो मीन्स हमारे शरीर में कॉन्स्टिपेशन पैदा ना करे, या मतलब डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हमारे सामने क्रिएट ना करे। ऐसा भोजन हमें खाना है। ऐसा भोजन खाएंगे हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम मजबूत रहेगा। डाइजेस्टिव सिस्टम मजबूत रहेगा तो क्या होगा कि जो भोजन को पचाने के लिए या भोजन से जो तत्व निकालने के लिए और शरीर को जो ज़रूरत है वो सारी की सारी ज़रूरतें पूरी होनी शुरू हो जाएंगी। तो उसका उससे क्या होगा कि शुगर का भी और बॉडी के और दूसरे पार्ट्स के पास एनर्जी पहुँचेगी, तो वो ब्लड में शुगर का लेवल जो है वो अप नहीं होगा, तो उस चीज़ से हम बच जाएंगे। एक सबसे बड़ी बात है कि हमें फाइबर युक्त खाना खाना है। मीन्स हमारा जो भोजन है उसमें फाइबर ज़्यादा हो, उसमें ये ना हो कि उसमें हम दूसरी चीज़ें ज़्यादा रखें, उसमें फाइबर भी काफ़ी ज़्यादा मात्रा में हो। जैसे हम खाना खाते हैं तो चोकर वाली रोटियां खाएं, या कई सारे गेहूं कई सारे जो अनाज हैं उनको मिला करके और उनको छान करके ना खाएं, मैदा मैदा ना खाएं, मीन्स बारीक बारीक जो आटा है वो ना खाएं, हमें थोड़ा मोटा आटा खाना है। तो उससे क्या होगा कि वो आंतों में नहीं चिपकाएगा, कॉन्स्टिपेशन उससे नहीं होगा, तो जितना ज़्यादा अच्छा डाइजेस्टिव सिस्टम रहेगा और एक्सक्रेटरी सिस्टम जितना मजबूत काम करता रहेगा तो ब्लड का जो शुगर लेवल है वो अप नहीं होगा। कि हमें जो अपनी जो पित्त प्रकृति है, पित्त प्रकृति को प्रगाढ़ रखना पड़ेगा, पित्त प्रकृति को हमारी मजबूत रखना पड़ेगा। पित्त प्रकृति मजबूत होगी तो क्या होगा कि भोजन जो शरीर में जाएगा उसका इजिली डाइजेशन हो जाएगा, वो जल्दी से जल्दी हमारे भोजन शरीर में पच जाएगा, तो वो जा करके फिर दूसरी चीज़ों के रूप में इकट्ठा नहीं होगा और फिर उससे दूसरी समस्याएं पैदा नहीं होंगी या उससे ब्लड का शुगर लेवल नहीं बढ़ेगा। तो ये सारी चीज़ों का हमें ध्यान रखना है, और हम इन चीज़ों का ध्यान रखते हुए अपने ब्लड जो शुगर है उसको हम मेंटेन कर पाएंगे, उसका मैनेजमेंट कर पाएंगे। क्योंकि हम ये नहीं कह सकते कि हम शुगर को ख़त्म ही कर देंगे, क्योंकि हम खाना खाएंगे तो कार्बोहाइड्रेट हमारे ग्लूकोज और फैक्टोज के रूप में टूटेगा, शर्करा के रूप में टूटेगा, तो भोजन के पास मधु मतलब इकट्ठा मीठा होगा ही होगा। तो हम ये नहीं कह सकते कि हम उसको बिल्कुल समाप्त कर देंगे, हम किसी भी स्थिति में उसको समाप्त नहीं कर सकते। बस ये होता है कि वो शरीर में पच जाए, ब्लड में उसकी मात्रा ज़्यादा इकट्ठी ना हो, तो ऐसे कुछ हम तरीके करके उसको मैनेज कर सकते हैं। तो ये जितने मैंने आपको तरीके बताए हैं सारे के सारे उसको मैनेज करने वाले हैं, उसको समाप्त करने वाले नहीं हैं, क्योंकि समाप्त वो हो ही नहीं सकता। वो एक नेचुरल प्रोसेस है, जिस नेचुरल प्रोसेस से हम खाना मतलब खाना कंज्यूम करते हैं तो उससे शुगर बनेगा ही बनेगा। तो हम उसे समाप्त नहीं कर सकते, सिर्फ हम उसको मैनेज कर सकते हैं। तो इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हम इसको मैनेज करें और अपनी एक अच्छी लाइफ जिए तो हमारे लिए ज़्यादा बेहतर होगा, और सभी चीज़ों के सभी के लिए, हमारी फाइनेंस के लिए, हमारी हर चीज़ के लिए ज़्यादा बेहतर होगा। इसी के साथ नमस्कार, स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, धन्यवाद।